बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस उर्दू समरी ऑफ मुस्तफ़ा कमाल, दैट इज़ एन एसे रिटन बाय विल्फ्रिड एफ कासल। और एसे की समरी की तरफ जाने से पहले हमें एक बात समझ लेनी है कि पहली जंग अजीम जो है वो 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 में ख़त्म हुई। इस जंग अजीम में दो मेजर ग्रुप्स जिनके अंदर दरमियान फाइटिंग हो रही थी, उनमें ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, रशिया, इटली और जापान जो थे वो एक साइड पे थे। इन सारे कंट्रीज़ का अगर हम पहला लेटर लें तो ये बनता है बुफ्रिज। बुफ्रिज ये आपने याद कर लेना है। बुफ्रिज, बी फॉर ब्रिटेन, यू यूनाइटेड स्टेट्स, एफ फ्रांस, आर रशिया, आई इटली और जे फॉर जापान। फाइन। और जो सेकेंड ग्रुप था वो था ओबगा, ऑटोमन एम्पायर, बी फॉर बल्गेरिया, जी फॉर जर्मनी, हंगरी एंड ऑस्ट्रिया। बुफ्रिज और ओबगा के दरमियान ठन गई थी। बुफ्रिज को एलाइज के नाम से याद किया जाता है। ये कंसेप्चुअल बात है जो आपने जहन में रखनी है। तो जब फाइट हुई तो तुर्की को शिकस्त हो गई, मतलब ओबगा वाले ग्रुप को शिकस्त हो गई और एलाइज ने यानी बुफ्रिज ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था। तुर्की का सुल्तान जो था वो इतिहादियों के हाथों बिल्कुल पपिट बनने के लिए तैयार हो गया था। वो उनके साथ तआवुन करना चाहता था और एलाइज यानी बुफ्रिज का मंसूबा था कि तुर्की के पार्ट्स कर लिए जाएं और उनको आपस में बांट लिया जाए। यूनानी जो थे वो इज़मीर के सूबा पर कब्ज़ा करना चाहते थे। इस फैसले की वजह से जो पेट्रियट्स थे तुर्कों के, उनको तो बहुत गु़स्सा आ गया और एनाटोलिया के अवाम ने बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। मुस्तफ़ा कमाल बहादुर थे, फौजी कमांडर थे और बादशाह ने बगावत कुचलने के लिए उसे उस सूबा में भेजा। मुस्तफ़ा कमाल जो था वो सच्चा मुहिब वतन था, वो इतिहादियों के ख़िलाफ़ था और उसने जाके उन रिबेलियंस का ही साथ दिया यानी एनाटोलिया के लोगों का साथ दिया और सारी बिखरी हुई फ़ौजों को इकट्ठा किया और बादशाह और ग्रीक्स के ख़िलाफ़ मंसूबाबंदी शुरू कर दी। वो विलेज टू विलेज उसने ट्रैवल किया, लोगों को एक्सेस किया और ग्रीक्स के ख़िलाफ़ उनको उभारा। अंकरा के मुकाम पर वो तुर्की फ़ौजों के कमांडर से मिला, दोनों ने बाकायदा फ़ौज बनाने का फ़ैसला कर लिया। फिर ग्रीक्स के ख़िलाफ़ उन्होंने गुरीला जंग का आगाज़ कर दिया। उसकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए महमत ने उसे वापस इस्तंबुल रिपोर्ट करने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और एलाइस ने इस्तंबुल में असम्बली मंसूख कर दी। मुस्तफ़ा कमाल ने फिर ग्रैंड नेशनल असम्बली का अजलास तलब किया और ऐलान किया कि वो मुल्क पर हुक्मरानी करेगा। 1921 में ग्रीक्स ने इज़मीर पर हमला कर दिया और तुर्की ने उसका ठीक ठाक जवाब दिया, इतना जवाब दिया स्ट्रॉन्ग कि एलाइस जो थे वो तुर्की छोड़ने पर मजबूर हो गए। 1922 में मुस्तफ़ा कमाल जो थे वो तुर्की फ़ौजों के कमांडर इन चीफ़ के तौर पर इज़मीर में दाखिल हुआ और बादशाह महमद चहारम जो था वो मुल्क छोड़ गया। सुल्तानियत वहाँ पे ख़त्म हो गई और तुर्की को रिपब्लिक करार दे दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल उसका पहला प्रेसिडेंट और इस्मत अनोनू पहला वज़ीर आज़म बना। पावर में आने के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत सारी रिफॉर्म्स करवाई जो कि बहुत फेमस हैं और जानी जाती हैं हिस्ट्री में ठीक ठाक नाम के साथ। इन सारी रिफॉर्म्स जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई उनको हम तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स कौन सी कराई, सोशल रिफॉर्म्स और फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एजुकेशनल रिफॉर्म्स में तालीमी असलाह यानी जो उन्होंने कराई तो वो मुस्तफ़ा कमाल को पता चल गया था कि जो तरक्की है हम नहीं कर सकते तालीम के बगैर, तो उन्होंने मुख्तसर वक्त में अपने लोगों को तालीम देने को अपना मकसद बना लिया और उन्होंने तालीम को सबसे ज़्यादा अवलियत दी। उस पर नेशनल कंट्रोल लेकर आए, हर जगह स्कूल और कॉलेज खोले और हर एक के लिए तालीम को लाजमी करार दे दिया। इंग्लिश पढ़ाई जाती थी कंपलसरी और टर्किश ज़ुबान को बहुत ज़्यादा कर दिया। अरबिक स्क्रिप्ट जो था उसकी जगह रोमन स्क्रिप्ट लेकर आया, मतलब अलिफ बे पे की जगह पर वो रोमन स्क्रिप्ट लेकर आया और फॉरेन लैंग्वेजेस के अल्फाज अपनी ज़ुबान से निकाल दिए। बहुत से टीचर्स को ट्रेनिंग दे के मुल्क के कोने कोने में भेजा और ख़ुद भी स्कूल टीचर बनकर लोगों को पढ़ाता था। माशरती असलाहत सोशल लेवल पे जो उसने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई, उन्होंने काफ़ी तुर्की को बदलने की कोशिश की। पुराने खताबात, रसूम और रवायात जो कुछ भी था वो ख़त्म कर दिया और उन्होंने तुर्की की नई फाउंडेशंस रखी। वो चाहते थे कि औरतें जो हैं वो कौमी तमीर के कामों में हिस्सा लें। उन्होंने उनको हुक्म दिया कि घरों से बाहर आकर वो भी मर्दों के शाना अपशाना काम करें। उसने अबाया पर पर्दा पहनने पर पाबंदी लगा दी
और औरतों के हक के रायदे ही पर जोर दिया कि औरतें वोट कास्ट करें और आला तरीन तजवीज़ की औरतों के लिए, उनकी खूब हौसला अफजाई की कि वो सरकारी नौकरी में हिस्सा लें, और उन्होंने फैज़ पहनना ख़त्म कर दिया क्योंकि ये ज़िल्लत की अलामत बन गया था। जो टोपी टर्किश लोग पहनते थे उसको बैन कर दिया और उसकी जगह पे हैट पहनना जो था उसको कंपल्सरी कर दिया गया। ये तो थी हमारी सोशल रिफॉर्म्स जो कि मुस्तफ़ा कमाल ने इंट्रोड्यूस कराई थी। थर्ड कैटेगरी में हमारे पास आती हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी मुआशी असलाहत। तो जंग में चूँकि तुर्की की बहुत तबाही हो चुकी थी, हार गया था, मईशत जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, फ्रॉम द स्क्रैच दे हैड टू टेक द स्टार्ट। तो मईशत को मुस्तहकम करने और मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल ने 5 ईयर प्लान शुरू किए। उसने मुल्क में हैवी इंडस्ट्री और मॉडर्न मार्केटिंग सेंटर्स कायम किए। 1919 में मुल्क में 150 फैक्ट्रियाँ थीं। उसने 1933 में ये तादाद 2000 कर दी। उसने मौजूदा ज़रूरियात के मुताबिक बैंकिंग के निज़ाम की भी तनजीमें नो की और उसने चंद सालों में ही तुर्की को खुशहाल रियासत बना दिया। मुस्तफ़ा कमाल को ग्रेट फौजी कमांडर के तौर पर याद किया जाता है। वो उनको एक सक्सेसफुल थिंकर भी समझा जाता है। वो तुर्की कौम का अजीम हीरो, अजीम पैट्रियट और बहुत ग्रेट निजात दहिंदा, बहुत मोहसिन के तौर पर उनको याद किया जाता है। यह हकीकत है कि अगर मुस्तफ़ा कमाल ना होता तो तुर्की भी ना होता, इसलिए लोग तुर्की उनको तुर्की के कौम का मामार अतातुर्क। तो ये थी मुस्तफ़ा कमाल की उर्दू में बहुत ही समरी, और मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं। अल्लाह हाफिज़।